नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंह नगर के डॉक्टर साहब जेएस धाकड़ की मनमानी की वजह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब अपने क्वार्टर का ताला डालकर सागर अपने घर चले जाते हैं और रात के समय केवल स्टाफ नर्स के भरोसे पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है। ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले जयसिंह नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बरसों से आते रहे हैं। पहले 15 साल भाजपा की सरकार यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को नहीं सुधार सकी, यहाँ कोई दूसरा डॉक्टर नहीं ला सकी, ना ही कांग्रेस की सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठा पाई। जयसिंह नगर का जो हाल पहले था वही जस के तस हालात आज भी हैं। हमारे छोटे भाई की बहू है, उसकी तबीयत बिगड़ गई, एकदम से सीना दुखने लगा अचानक में, तो हम हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में धाकड़ साहब है नहीं है, अकेले नाम जो सिस्टर हैं। धाकड़ साहब को हमने फ़ोन लगाया, अभी बोल रहे हम थोड़े काम से आए थे, 1-1.5 घंटे के भीतर हम अस्पताल में हाजिर होंगे। हमने उनसे बोला अगर कुछ भी मरीज को हो जाता है तो फिर कहने लगे तो हमें थोड़ा काम था तो इस वजह से हम सागर आ रहे हैं। तो सर का कहना है कि वो सागर में है, मतलब निजी किसी काम से गए कि सरकारी काम से? खुद के काम से। अच्छा, अभी मतलब रात में कोई सरकारी काम थोड़ी होगा उनके लिए, निजी काम से गए जी। यहाँ पर और कोई दूसरा डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिला? कोई नहीं है, केवल नामदेव सिस्टर है, उनने इंजेक्शन लगा दिया और सागर रेफर कर दिया। 108 को फोन लगाया तो 108 वाले भी बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में कोई भी गाड़ी नहीं है, मतलब अपने पर्सनल वाहन से जाइए। अब हम किसी की मंगा रहे हैं, 1,000-1,200 में गाड़ी होगी अर्जेंट में। तो डॉक्टर साहब हैं धाकड़ जी, वो कहाँ पर? अभी सागर गए हैं किसी काम से। सागर गए हैं, अभी वर्तमान में कोई डॉक्टर हॉस्पिटल? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। तो अब जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर आप ही डील करेंगे जी। जयसिंह नगर से गुलाब कोरी की रिपोर्ट।